भाई ग्रीन गोबर वाले डर गए, हम लोगों से डर गए। अपने ड्रैगन हिंदी एक्स भाई की एक क्लिप यहाँ यूज कर रहा हूँ। ड्रैगन हिंदी एक्स ने एक क्लिप जो वो गेम खेल रहा है वही बंदा खेल रहा है, और उस बंदे ने पहले ही कहा था कि तुम मेरी आवाज़ और इस वीडियो को कोई भी क्लिप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। पर मैं आवाज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस वो वीडियो यूज़ कर रहा हूँ जो थी वहाँ पे। तो फिर एक सेकेंड, सॉरी भाई 2 मिनट का थोड़ा सा कांड हो गया था। तो हाँ भाई मैं ड्रैगन इन दी एक्स भाई की क्लिप यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है उन्होंने पहले ही कहा था यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। और हाँ ये ग्रीन गोबर वालों ने दिमाग ख़राब कर रखा है, पहले विक्सर भाई के वीडियो पे क्लेम डाला, फिर उसके बाद अपने ड्रैगन हिंदी एक्स भाई की, जिस पर उसने जिसमें ड्रैगन हिंदी एक्स भाई ने तारीफ करी थी ग्रीन गोबर के एनिमेशन के बारे में, क्योंकि वो एनिमेशन ग्रीन गोबर ने नहीं ही द गोल्डन रोबोट ने किया था, कंपनी ने किया था, द गोल्डन रोबोट कंपनी ने किया था। इसलिए ग्रीन गोबर वाले ऐसा एनिमेशन कभी नहीं कर सकते। जो ये छोटा झिमझिम और ये बस यही सब बना सकते हैं, ये कोटू कटलू, समझ गए होगे तुम क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ये लोग बस यही सब बना सकते हैं, इनकी बस की नहीं इतना अच्छा एनिमेशन करना। ये लोग 3 बार बैठ के जो वो छोटा झिमझिम का जो ट्रेलर डाला है उसमें बैठ के दिन भर ये लोग नेगेटिव कमेंट डिलीट करते रहते हैं और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट रहने देते हैं। ये बिल्कुल भी राइट्स के खिलाफ है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। तो तुम लोग भी इसके ऊपर वीडियो बनाओ, जितने में यूट्यूबर मतलब जो जो सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे अमीर अब्दुल्ला, गोकू फैन और SSJ नमाज़, ये लोग जो लोग हैं मेरे चैनल पे जो यूट्यूबर्स हैं, वो लोग प्लीज़ वीडियो बनाओ इसके ऊपर। तुम जो जो मैं ये क्लिप यूज़ कर रहा हूँ तुम ये क्लिप यूज़ कर सकते हो, और तुम भी एक वो क्रिटिसिज्म मतलब वो पेरियोडिक करके अपनी वीडियो बनाना, मतलब इनका असली नाम मत लेना, जैसे ग्रीन गोबर, छोटा झिमझिम, कोटू कटलू, कुछ ऐसे ही नाम लेना और वीडियो बनाओ। और अभी एक पेटेंशन वाली वो चली मुहिम चली है जिसे तुम्हें भी साइन करना है। तो फिर ड्रैगन इंडिया भाई के चैनल पे जाओ, निगेस सेन के चैनल पे जाओ, चार्ली कौन के चैनल पे नहीं शायद मत जाना, और वो सैन लौंडा के चैनल पे जाओ हर, और विक्सर भाई सबसे मेन बंदा विक्सर भाई के चैनल पे जाओ, उन्होंने वहाँ पेटेंशन डाल रखा है, और जो पेटेंशन बनाया वो बनाया फैन गाय ने, और विक्सर भाई और फैन गाय सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं। विक्सर भाई रोज़ चक्कर काटते हैं पीवीआर का जो ऑफिस है उसके, ताकि इंडिया में मूवी आ सके। और ड्रैगन हिंदी एक्स भाई की वीडियो को भी उन्होंने क्लेम मार दिया, पर अभी जो लोग हैं वो बहुत कम हैं हमारे साथ, मतलब हमारे साथ तो बहुत लोग हैं पर आवाज़ उठाने वाले बहुत कम हैं। तो वो तुम लोग अगर यूट्यूबर हो कोई भी, या फिर अभी अपना यूट्यूब चैनल फ़ोन खोलो, लाइब्रेरी में जाओ, अपलोड पे जाओ, और अभी अपना यूट्यूब चैनल खोल लो। एक मुहिम स्टार्ट करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल खोलो, उस पर वीडियो डालो, और ऐसी वीडियो डालो जिसकी वजह से इंडिया में एनिमे आ सके। तुमको बता जो मेरे ट्यूशन वाले सर है, मतलब मेरा होम ट्यूशन है, वो भी एनिमे देखते हैं। ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भी एनिमे देखते हैं, मेरा दिल खुश हो। चलो कोई तो है मेरे आसपास जिसको एनिमे और कार्टून में अंतर पता है। तो फिर तुम लोग मेहनत करो, चैनल नहीं है तो चैनल खोलो, उस पर वीडियो डालो, एनिमे की वीडियो डालो, और अगर तुम टेक्निकल चैनल बनाना चाहते हो वो बनाओ, पर उस पर भी एक वीडियो डालो जिससे उनको लगे कि अब आवाज़ उठ रही है, और अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम ये सब कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो फिर प्लीज़ तुम लोग ये करो, चैनल बनाओ, वीडियो डालो, और ये ग्रीन गोबर वाले डर चुके हैं अब हमसे। ये लोग बस तुम्हें चाहते हैं कि तुम इनकी चीज़ें देखो, इसलिए ये लोग क्लेम पे क्लेम डाल रहे हैं। तो फिर तुम लोग जाओ और इन ग्रीन गोबर वालों के चैनल पे भर भर के नेगेटिव कमेंट मत करना। मैं तुम्हें मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, वो वैसे भी पूरे दिन भर बैठ के ये ग्रीन गोबर वाले वहाँ पे पॉजिटिव कमेंट रखते हैं और नेगेटिव कमेंट डिलीट मारते रहते हैं। तो फिर मत जाना, और एक बार उनका ट्रेलर देखना,
उसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्योंकि वो गोल्डन रोबोट ने, कंपनी है गोल्डन रोबोट, उसने करे हैं, उन ग्रीन गोबर वालों ने नहीं करे हैं। जो वो लोग सिर्फ छोटा झिमझिम जैसी टट्टियाँ ही बना सकते हैं। और आजकल के बच्चे भी, मतलब मैं भी बच्चा हूँ, मैं नहीं बोल रहा मैं बूढ़ा हूँ, मैं भी बच्चा ही हूँ, तो वो लोग देखते हैं कि खाओ लड्डू और लड़ो। ऐसे अगर कोई बंदा, नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके अंदर जैसे हमारे स्कूल में टैकांडो के लिए जोड़ने के लिए जाते हैं, कोई बंदा छोटा रन देख के आए और बंदा लड्डू खा के अगर टैकांडो मैच भी चले जाए और उसको भाई लूज मोशन लग जाए, तो सोचो क्या होगा बेचारे का, भाई वो सपना उड़ जाएगा। नहीं मजाक की बात है, सच में बोल रहा हूँ, हाँ मजाक लग रहा होगा पर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैसे भी हो सकता है, तो फिर सीरियस मत लेना ज़्यादा। हाँ तो फिर भाई ये जो खाने वाला आइडिया था ना, वो एक टाइम पे आया था, वो था पोपाय द सेलर बॉय। हाँ जब मैं पैदा हुआ तब तक तो तभी वो आता था, पर मैं तब बहुत छोटा था, पर मैंने फिर देखा थोड़ा बहुत, तो मैं पता चला कि ये छोटा झंझिम और पोपाई में जमीन आसमान का अंतर है। जो पोपाई था वो स्पेनिच खा के, मतलब पालक खा के ताकत पाता था, और वो एक क्लासिक एनिमे था बहुत पुराना, तब तो समझ में भी आता है कि आइडिया आ रहे होंगे तो ये भी आइडिया होगा। पर उससे बच्चे हेल्दी बन रहे थे, अच्छा बन रहे थे। और अब समोसा खाओ ताकत लाओ, पेट खराब लूज मोशन, लड्डू खाओ पाद आएगी, यही हो रहा है बस, और कुछ तो हो नहीं रहा। तो फिर प्लीज़ तुम लोग भी अपने चैनल पे वीडियो डालो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर एनिमे चैनल पे जाओ, सर्च करो यूट्यूब पे एनिमे चैनल और सबको जाकर सब्सक्राइब ठोक दो कुछ समय के लिए, ताकि सब लोग टॉप पे आ जाए, और उसके बाद सबको पता चले कि एनिमे यूट्यूबर्स भी हैं बहुत सारे, और ये लोग जो दे जिनको ज़्यादा एनिमे के बारे में नहीं पता है और वो एक बंद गुफा में रह रहे हैं, वो इंडियन टट्टी एनिमेशन नाम की एक गुफा है, उसमें रह रहे हैं, उससे बाहर आए और एक वर्ल्ड क्लासिक मस्त एनिमे की गुफा में घुसे, और उस गुफा में ये ना रहे हमेशा, वो उससे भी बाहर आए और अच्छी अच्छी चीज़ें देखे। जैसे अमेरिका के कार्टून तुम्हें लगेगा कि वो तो बकवास होते हैं, पर उनमें कुछ लॉजिक होता है, उसको बड़े बच्चे सब देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटा झिमझिम, टोटू कटलू, और नहीं बोल सकता, इतने नाम लूंगा कि तुम लोग सोचोगे कि मैं भी ये सब देखता हूँ, पर नहीं भाई, पर टीवी तो कभी कभी देखता ही हूँ, तो दिख ही जाते हैं टट्टी चीजें गुपाद। तो फिर भाई तुम लोग भी वीडियो बनाओ, मैंने भी वीडियो बनाई है, तुमको दिख ही रही होगी, और मैं अपने चैनल पे जो मैंने गलती से वीडियो बना दी थी उसको डिलीट तो नहीं करूँगा, कि वीडियो की बहुत कम कम वीडियो आएगी ही, पर अब अच्छे से वीडियो आएगी। चलो फिर गाइस, तब तक के लिए बाय, और वीडियो डालना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।